Hello everybody, good morning. Let's start the day with the continuation of atomic structure. हम atomic structure को continue करते हैं और एक बार मैं तेजी से brush up करा दूं, मैंने अभी तक क्या क्या करवा दिया है. सबसे पहले मैंने regarding composition of matter, Dalton's theory बताई थी और मैंने कहा था कि according to this Dalton's theory, atom is the smallest particle. और फिर मैंने कहा था कि डाल्टन की थ्योरी फेल हो गई. डाल्टन की थ्योरी क्यों फेल हो गई? क्योंकि एटम से भी छोटे पार्टिकल एटम के ही अंदर मिल गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे.जे. थॉमसन के द्वारा, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन के द्वारा, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक के द्वारा. यह हमने बताया कि किस तरह से यह तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कवर हुए. इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स के मास और इनके चार्ज वह सब हमने बताए. और इसके बाद में हमने मॉडल ऑफ एटम्स पर डिस्कस करना चालू कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से एटम के अंदर जमे हुए होते हैं. तो उसमें हमने सबसे पहले प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल, तरबूज के माफिक ये जो जे.जे. थॉमसन ने सजेस्ट करा था वह समझा. एंड देन आफ्टर दैट रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट. हमने रदरफोर्ड मॉडल का फेलियर भी समझा और हम नील बोर के द्वारा दिया गया बोर मॉडल समझना चाहते हैं और उसी के लिए हम डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे थे. हमने मेरे पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बड़े डिटेल में देख ली थी, समझ ली थी. अब मैं फर्दर एक और डेवलपमेंट बताता हूं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्शन एंड स्पेक्ट्रा. वंस अगेन, दिस नॉट अ डेवलपमेंट, ये तो काफी पहले हो चुका था. डिस्पर्शन एंड स्पेक्ट्रा, वी नो दैट this is a triangular prism. This is a triangular prism. इस तरह से बोर्ड के अंदर जाते हुए तीन रेक्टेंगुलर फेस है और दो अपोजिट ट्रैंगुलर फेसेस, और इसे हम ट्रैंगुलर प्रिज्म कहते हैं. सॉलिड ग्लास की बनी हुई यह बॉडी है. इस ट्रैंगुलर प्रिज्म पर यदि लाइट रेस इंसिडेंट होती है, इफ any light rays are incidented over this triangular prism, then that light ray gets separated into constituent colors. That light ray gets separated into constituent colors. देखिए, कोई सी भी light ray, it may be mixture of various colors. For example, if we talk about white light ray, then white light ray or white color is a mixture of seven different colors. White color koi ek single color nahi hota hai. In fact, saat alag alag colors ko mila diya jaye to white color banta hai. Yadi white light ray incident ki jaye to yah white light ray is prism par इंसिडेंट होने के बाद जब इस प्रिज्म से इमर्ज होती है तो वह अपने सात अलग अलग कलर्स में बिखर जाती है, डिवाइड हो जाती है. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, दिस आर द सेवन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट रे. They are the composing colors of white light ray. This phenomena is termed as dispersion. इस phenomena को हम dispersion कहते हैं. And this pattern of color obtained is termed as spectrum. This pattern of color is termed as spectrum. जो हमें बारिश के दौरान सुबह और शाम को कई बार आसमान में इंद्रधनुष जो दिखता है, वी यूज टू सी रेनबो इन रेनी सीजन, आइदर इन मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम, दैट इज वंस अगेन ड्यू टू दिस फिनोमेना ऑफ डिस्पर्शन. हम कहते हैं बारिश के मौसम में आसमान से गिरती हुई पानी की बूंदें वह कुछ इस तरह का शेप ले लेती हैं और सन से आने वाली
light rays. इस तरीके से डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और सन से आने वाली लाइट रे के इस तरह से डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से आसमान में हमें रेनबो दिखने लगता है. इसी डिस्पर्शन फिनोमेना की वजह से होता है. डेफिनेटली यू विल स्टडी इन डिटेल अबाउट दिस फिनोमेना, हाउ दिस फिनोमेना ऑकर्स इन 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स. 12th स्टैंडर्ड में हम जब लाइट चैप्टर पढ़ेंगे और वहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस फिनोमेना के बारे में बड़े डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है. राइट नाउ अभी हम इस फिनोमेना के बहुत डीप में नहीं जाना चाहते. हम ये नहीं जानना चाहते कि प्रिज्म क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है. अभी हम सिर्फ इसका एक आउटलाइन ले लेते हैं कि इसमें ये जो स्पेक्ट्रम बनता है डिस्पर्शन के बाद, ये जो स्पेक्ट्रम बनता है, इस स्पेक्ट्रम में हम बड़े ध्यान से देखें. स्पेक्ट्रम के नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं, इट्स डिक्रीजिंग वेवलेंथ और इंक्रीजिंग एनर्जी. जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, रेड कलर हैव गॉट वेवलेंथ ऑफ 7500 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड वायलेट कलर हैव गॉट वेवलेंथ ऑफ 3500 आर्मस्ट्रॉन्ग. तो जिस तरह से हम नीचे नीचे जाते हैं वैसे वैसे lesser the wavelength is, that light ray would be dispersed or scattered in downward direction. और जैसे जैसे हम इस स्पेक्ट्रम के ऊपर देखेंगे, ऊपर जाएंगे, it's increasing wavelength or decreasing energy. अभी मैं सिर्फ इतनी सी बात बताऊंगा कि कोई सी भी लाइट रे यदि प्रिज्म पर इंसिडेंट करी जाए तो वह लाइट रे अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, अपने कंपोजिंग कलर्स में डिवाइड हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, फैल जाती है और इस फिनोमेना को डिस्पर्शन कहा जाता है. और जो हमें फैली हुई लाइट रेस मिल रही है, जो कंस्टिट्यूएंट कंपोजिंग कलर्स दिख रहे हैं, इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. और इस स्पेक्ट्रम में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे वेवलेंथ कम होती है, एनर्जी बढ़ती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वेवलेंथ ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है. अब इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग यह है कि कहीं से भी आने वाली लाइट रेस उसमें किस तरह की वेवलेंथ है, किस तरह की एनर्जी है, यह पता लग सकता है. वो एनर्जी, वह वेवलेंथ कहीं खतरनाक तो नहीं है, कहीं ज्यादा खतरनाक रेडिएशंस तो नहीं निकल रही है. फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई लैंप बनाया. जनरली जो हम लैंप यूज करते हैं, मर्क्यूरी लैंप यूज करते हैं, सोडियम लैंप यूज करते हैं, हम टंगस्टन लैंप यूज करते हैं, ये हेलोजन्स हम यूज करते हैं, CFL यूज करते हैं, ट्यूबलाइट यूज करते हैं, सारी लाइट. अब हमको यह समझना है कि किसी भी लैंप जो हमने नया डिस्कवर करा, नया बनाया, उस लैंप से निकलने वाली जो रेडिएशन है कहीं वह हानिकारक तो नहीं है, कहीं वह खतरनाक तो नहीं है. हम हमेशा जिस लैंप को हम इल्यूमिनेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक व्हाइट लाइट रेस, अधिक से अधिक यह कलर्स दिखने, इनके अलावा कोई और दूसरे कलर नहीं निकलना चाहिए. इनके अलावा कोई दूसरे कलर यदि उसमें से निकल रहे हैं तो वो कोई हमें दिखाई तो देंगे नहीं और एनर्जी को वेस्ट करेंगे. तो किसी भी लैंप से निकलने वाली रेडिएशंस को देखने के लिए, समझने के लिए हम प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं. उस लाइट रे का प्रिज्म के द्वारा डिस्पर्शन कराते हैं. डिस्पर्शन के बाद स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं कि कौन कौन सी वेवलेंथ दिख रही है. तीन तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज दैट स्पेक्ट्रम विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द वेवलेंथ एंड ऑल द एनर्जीज. जनरली सन से आने वाली जो लाइट रे होती है वह कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही बनाती है. स्पेक्ट्रम ऑफ सन रेस. यदि कोई लाइट रे सन से आ रही है, सन रेस, ध्यान रहे सन से आने वाली रेस का स्पेक्ट्रम अर्थ पर रहकर नहीं बनाया जा सकता. क्यों नहीं बनाया जा सकता? सन से आने वाली जो लाइट रेस है उसमें गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस वो तो अपर एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाती है. वो अर्थ तक आ ही कहां पाती है? वो तो ऊपर जो ओजोन लेयर है वह एब्जॉर्ब कर लेती है, जो फ्री न्यूट्रॉन से वह एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सन का स्पेक्ट्रम बनाने के लिए हमें अर्थ एटमॉस्फेयर से ऊपर जाना पड़ेगा. सन से आने वाली जो लाइट रेस है वाकई में उनको यदि हम स्टडी करना चाहते हैं तो हमें अर्थ एटमॉस्फेयर से ऊपर जाना पड़ेगा. अर्थ एटमॉस्फेयर से ऊपर या तो किसी सैटेलाइट में आप इस तरह का सेटअप बना के रखोगे, स्पेस में जाना पड़ेगा आपको. और इनफैक्ट जो नासा ने जो हबल टेलीस्कोप लगा रखी है वह टेलीस्कोप इनफैक्ट स्पेस में ही है, सैटेलाइट में ही है और घूम रही है और वहीं से वो पूरे स्पेस को देखती है और मैसेजेस देती है. ऐसी डिवाइस को हमें सन रे का स्पेक्ट्रम बनाना है तो ऊपर ही बनाना होगा. इससे आने वाली लाइट रेस इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द वेवलेंथ एंड ऑल द फ्रीक्वेंसीज एंड ऑल द एनर्जीज. आई विल से This spectrum is a continuous spectrum. इसमें सारी सारी light rays, सारी सारी wavelength होती है और it consists of all wavelength and एनर्जी. इसमें सारी सारी वेवलेंथ और सारी सारी एनर्जी होती है. द सेकेंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज बैंड स्पेक्ट्रम. बैंड स्पेक्ट्रम इज द स्पेक्ट्रम विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द वेवलेंथ ओवर अ पर्टिकुलर रेंज, ऑल द एनर्जी ओवर अ पर्टिकुलर रेंज. एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें एक ऐसा लाइट सोर्स, एक ऐसी लाइट है जिसमें एक पर्टिकुलर रेंज में सारी वेवलेंथ हो. हमने लाइट रे इंसिडेंट करी और एक पर्टिकुलर रेंज में उसके अंदर सारी सारी वेवलेंथ मौजूद है, सारी सारी एनर्जी मौजूद है इस पर्टिकुलर रेंज में. इस स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट रे जो मैं ऑलरेडी बनाया हूं, इट्स स्पेक्ट्रम ऑफ प्योर व्हाइट लाइट रेस. इट कंसिस्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ ओवर अ बैंड और रेंज. एक पर्टिकुलर बैंड में, एक पर्टिकुलर रेंज में सारी सारी वेवलेंथ होती है. व्हाइट लाइट के केस में हम कहेंगे दैट बैंड इज 3500 आर्मस्ट्रॉन्ग
टू 7500 आर्मस्ट्रॉन्ग। इस पर्टिकुलर रेंज में सारी सारी वेवलेंथ व्हाइट लाइट रे में होती है और इसीलिए हम इसे बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। खास बात, व्हाइट लाइट रे में 3500 से अधिक, 3500 से कम कोई वेवलेंथ नहीं होगी और 7500 से अधिक कोई वेवलेंथ नहीं होगी। इट डजंट कंटेन एनी वेवलेंथ अबाउ 7500 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड इट डजंट कंटेन एनी वेवलेंथ बिलो 3500 आर्मस्ट्रॉन्ग, बट इट कंटेन ऑल द वेवलेंथ विद इन दिस रेंज। सच अ स्पेक्ट्रम इज टर्म्ड एज अ बैंड स्पेक्ट्रम। जनरली हम विजन पर्पस के लिए, इल्यूमिनेशन पर्पस के लिए इसी तरह का लाइट सोर्स हमेशा चाहते हैं, इसी तरह का स्पेक्ट्रम हम हमेशा चाहते हैं। हम यदि इस रूम के अंदर रोशनी करना चाहेंगे तो हम ऐसा सोर्स ही लेना चाहेंगे जो इसी तरह का स्पेक्ट्रम, इसी तरह की लाइट एमिट करता हो। क्यों? यदि 3500 से अधिक, 3500 से कम वेवलेंथ हुई तो अल्ट्रावायलेट रेस होंगी, एक्स रेस होंगी और वो खतरनाक है, उनसे नुकसान होएगा। ऐसे लाइट सोर्स को कमरे के अंदर रखना मतलब अपनी बॉडी को नुकसान देना। और 7500 से अधिक यदि वेवलेंथ हुई तो अननेसेसरी एनर्जी उस रेडिएशन में वेस्ट हो रही है जो देखने के लिए कोई काम नहीं आ रही है, जो इल्यूमिनेशन में कोई काम नहीं मदद कर रही है। मान लीजिए 10,000 आर्मस्ट्रॉन्ग की वेवलेंथ रेडिएट कर रहा है वह लाइट सोर्स, अब 10,000 आर्मस्ट्रॉन्ग की यदि वेवलेंथ रेडिएट हो रही है तो विजिबल तो है नहीं, उसका कोई कलर तो है नहीं, उससे हमें कुछ दिख तो रहा नहीं है, उससे कोई रोशनी तो हो नहीं रही है और एनर्जी वो फेंक रहा है, एनर्जी बढ़ती जा रही है। कमरा गर्म तो होएगा थोड़ा थोड़ा मगर कमरे में रोशनी नहीं होगी। तो ऐसा 7500 से ज्यादा भी हम नहीं चाहेंगे, 3500 से हम कम भी नहीं चाहेंगे। हम इस कमरे को रोशन करने के लिए वही लाइट सोर्स का इस्तेमाल करेंगे जो बैंड स्पेक्ट्रम और इस पर्टिकुलर रेंज में देता हूं। एंड द थर्ड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम इज दैट स्पेक्ट्रम विच कंसिस्ट ऑफ फ्यू फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ एंड फ्यू फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ एनर्जी। ऐसा कोई सा भी स्पेक्ट्रम जिसमें कुछ फिक्स वेवलेंथ की वैल्यूज और कुछ फिक्स एनर्जी की वैल्यूज ही रेडिएट होती हो, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एंड फ्यू वेवलेंथ एंड एनर्जी। इसमें कुछ फिक्स वेवलेंथ और फिक्स एनर्जी ही होती है। जैसे यह लाइट है और सिर्फ तीन ही लाइन दिख रही है, तीन ही वेवलेंथ है, तीन ही कलर है और तीन ही एनर्जी, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे। वी यूज टू से स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन लैंप और सोडियम लैंप हैव गॉट लाइन स्पेक्ट्रम। सोडियम लैंप क्या होता है मैं बताता हूं। जो सड़कों पर स्ट्रीट लाइट आपने देखी है हाईवे को रोशन करने के लिए, सड़कों को रोशनी देने के लिए जो स्ट्रीट लाइट, बड़े बड़े जो हंडे नुमा लैंप लगाए जाते हैं, बड़े बड़े येलो कलर के जो होते हैं, येलो कलर की लाइट चारों तरफ फेंकते हैं, दोस लैंप आर सोडियम लैंप। वो जो लैंप होते हैं सोडियम लैंप होते हैं। और देखिए जरा सोडियम लैंप में क्या हो रहा है, फिक्स येलो कलर की लाइट रे बाहर आ रही है, येलो कलर की लाइट रे बाहर आ रही है, उसमें कोई वायलेट कलर नहीं होता, उसमें कोई इंडिगो कलर नहीं होता, कोई ब्लू कलर नहीं होता, कोई ग्रीन कलर नहीं होता, कोई येलो ऑरेंज कलर नहीं होता, कोई रेड कलर नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ येलो कलर की सिर्फ दो ही वेवलेंथ बाहर आती है
और येलो कलर की दो वेवलेंथ से पूरा का पूरा हाईवे रोशन करते हैं वो लोग। सच अ लैंप एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ सच लैंप इज टर्म्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम। इसी तरह से हाइड्रोजन लैंप होता है। ये हाइड्रोजन लैंप और सोडियम लैंप का मतलब क्या हुआ भाई? उस लैंप के अंदर हाइड्रोजन गैस भर दी जाती है। लैंप के अंदर जो गैस भरना है वो हाइड्रोजन गैस, और लैंप के अंदर यदि सोडियम की वेपर रखे तो सोडियम लैंप हुआ। इस तरीके से हाइड्रोजन लैंप और सोडियम लैंप बनाए जाते हैं कि सोडियम वेपर अंदर रखें, हाइड्रोजन गैस अंदर रखें तो सोडियम लैंप, और उससे आने वाली लाइट रेस का लाइन स्पेक्ट्रम होता है। नाउ दिस इज अ नेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट यू शुड नो। इन सब चीजों के बारे में बड़ा डिटेल में, एस आई टोल्ड यू, 12th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। अभी हमको सिर्फ ये आउटलाइन जान लेना जरूरी है। बड़े ध्यान से देखें दिस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम भी आगे हम समझाएंगे, दो तरह के होते हैं, एक तो एमिशन स्पेक्ट्रम और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में हमें लैंप के द्वारा एमिटेड लाइट का स्पेक्ट्रम बनाते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम मींस कोई लैंप है उससे जो लाइट एमिटेड है, इधर हम सब एमिशन स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, सन से एमिट होने वाली लाइट से ये एमिशन स्पेक्ट्रम, व्हाइट लाइट सोर्स है उससे एमिट होने वाली लाइट है ये एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट है। हाइड्रोजन या सोडियम लैंप से एमिट होने वाली लाइट है उस एमिटेड लाइट रे का हमने स्पेक्ट्रम बनाया, दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। अनदर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मींस कोई लाइट रे कहीं से एमिट हुई और एमिट होने के बाद किसी सब्सटेंस से पास होकर उसमें एब्जॉर्ब हो गई। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट लाइट रे हमने किसी लिक्विड सॉल्यूशन से पास करी, लिक्विड सॉल्यूशन से पास करने पर कुछ कलर्स उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और फिर बाकी बची हुई जो बाहर लाइट है उसमें आ रही है उसका स्पेक्ट्रम बनाया जाए तो उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। मैं दोबारा बताता हूं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। जैसे सन से कोई लाइट रे आ रही है, सन से आती हुई लाइट रे को आपने ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब करवा दिया, ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब करवा दिया और वो फिर अर्थ सरफेस तक आई। अब जो अर्थ सरफेस पर जो आप स्पेक्ट्रम बना रहे हो वो सन रेस का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा, बिकॉज दोस लाइट रे आर नॉट ऑल दोस लाइट रेस विच आर एमिटेड बाय सन, फ्यू ऑफ द लाइट एनर्जी, फ्यू ऑफ द वेवलेंथ आर एब्जॉर्ब बाय अपर एटमोस्फियर। तो सन रेस का स्पेस में जाकर जो स्पेक्ट्रम बनाएंगे वो तो एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा, सन रेस का स्पेस में जाके जो स्पेक्ट्रम बनाएंगे वो तो एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल दोस लाइट आर एमिटेड बाय सन एंड वी आर डिस्पर्सिंग ऑल दोस लाइट रे। जबकि सन रेस का अर्थ सरफेस पर जो स्पेक्ट्रम बनाएंगे वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सन से आने वाली लाइट रे उसमें एक काफी बड़ा हिस्सा, एक काफी बड़ा भाग वो अपर एटमोस्फियर में एयर के द्वारा एब्जॉर्ब हो चुका है, वो लोअर एटमॉस्फियर तक आ ही नहीं पा रहा है। लोअर एटमॉस्फियर में तो कुछ छन के जो बिल्कुल हार्मलेस रेस है वो आ रही है, तो जो छनी हुई लाइट रेस जो अर्थ सरफेस तक आ रही है, जो जिसमें से एक बड़ा हिस्सा एब्जॉर्ब हो चुका है, उन लाइट रेस का स्पेक्ट्रम जब हम बना रहे हैं तो उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। दिस आर द फ्यू कंसेप्ट, फ्यू टर्म्स you should be aware of before moving on to Bohr model of atom. Please note it down. एक दो छोटी बातें और बताता हूं मैं।